दोस्तों हमारे साथ है नन अदर देन पंखुरी अवस्थी जी. शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड शी इज इन आर सिटी इंदौर. अपने अपकमिंग शो के प्रमोशन के लिए हमारे सिटी में आई हैं. क्या कसूर है अमला का? वेल, ये जो एक टाइटल है शो का वो अपने आप में ही बहुत ही क्यूरियोसिटी जनरेट कर देता है. वेल, सबसे पहले तो इंदौर आकर कैसा लग रहा है? हाउ इज द एक्सपीरियंस इन इंदौर? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हियर. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन इंदौर, सो आई एम डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड. ऑल्दो मुझे अभी चांस नहीं मिला है टू सी अराउंड. आई होप कि इसके बाद मिले, देन आई विल टेल यू मोर यू नो इन डिटेल कि कैसा लग रहा है. नेक्स्ट टाइम आएंगे तब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि इंदौर आकर कैसा लग रहा है. वेल, अगर आपकी हम करियर के बारे में बात करें तो आपका एक बहुत ही बूस्ट स्टार्ट का करियर था. यू गॉट रज़िया सुल्तान रोल और उसमें आप बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और आपने अपने रोल के साथ बहुत जस्टिफिकेशन किया था. वेल, अगर हम बात करें रज़िया सुल्तान का, तो आपके पास्ट रोल से ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसने आपकी पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट किया? लाइक वो कैरेक्टर्स, वो ट्रेट्स अब आपकी पर्सनालिटी में भी आ गए हैं जो रज़िया सुल्तान के कैरेक्टर. सी, रज़िया एज अ कैरेक्टर हैज़ एक्चुअली शेप्ड मी, बिकॉज उस कैरेक्टर के इतने फेसेट्स या फैसेट्स थे. यू नो, रज़िया वॉज अ प्रिंसेस एंड वो शहजादी वाला फील जो था उसमें पूरा. बिसाइड्स शी वॉज़ यू नो वेरी, वो लड़कियों वाली कोई बात नहीं थी उनमें. द स्वॉर्ड फाइटिंग, लाइक आई लर्नड स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग इज़ अनदर थिंग दैट आई लर्नड. सो ऑल दोज थिंग्स आर वैल्यू एडिशंस टू मी एज अ पर्सन नाउ. सो आई नो हाउ टू राइड हॉर्सेज, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. बिसाइड्स आई नो हाउ टू होल्ड द स्वॉर्ड एंड फाइट विद इट. सो कितना टाइम आपने स्पेंड किया था रज़िया सुल्तान के रोल को प्रिपेयर करने के लिए? कितना होमवर्क किया था आपने? आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया था, बिकॉज लास्ट मिनट सिलेक्शन हुआ था एंड द मेजर ट्रेनिंग दैट हैपन वॉज हैपन्ड ऑन द सेट अलॉन्ग साइड यू नो वाइल वी वर शूटिंग. सो उसी में, बट हाँ, वो उर्दू का लहजा लाना, वो हॉर्स राइडिंग सीखना एंड स्पॉट फाइटिंग करना, सारी चीज़ें साथ साथ में होती हैं. क्या बात है. और अपकमिंग शो के बारे में, क्या कसूर है अमला का, तो ये शो किस बारे में है और किस टॉपिक पर है? बिकॉज हमने देखा है कि अभी जो स्टार प्लस है वो सारे वुमेन ओरिएंटेड शोज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा है, एंड ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन, आमिर खान, ऑल द स्टार्स आर सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव. तो इस शो में ऐसे कौन सा सोशल एलिमेंट है जिसको पर लोगों को अवेयर किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन, वी नीड टू मेक इट बेटर? सो दिस शो का जो सब्जेक्ट मैटर है, इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड अ वेरी डेलिकेट मैटर विच इंडिया यू नो एज अ कंट्री इज फेसिंग दीज डेज. एंड जो द टॉपिक दैट वी आर पिकिंग ब्रिंगिंग अप इज rape and the rape victims through this show. The idea is to make the audiences aware ki kaise societies are so closed when it comes to victims like these, when it comes to you know making an environment friendly for victims like these. Societies you know literally shame the victim instead of the people who are guilty. So that is what the question that is that the show asks, ki kya kasoor hai amla ka, ya kya kasoor hai amla jaise victims ka jinke sath society ye unke sath already itna kuch ho chuka hai, why make the world even tougher a place to for them to live in? So instead of unhe zyada attention dene ke bajaye hum unhe isolate kar dete hain सोसाइटी से, दैट इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट. वेल, अगर हम आपके किरदार की हमने बात करें तो आप अमला का किरदार निभा रही हैं. सो क्या स्पेशलिटीज़ हैं इस किरदार में और कौन कौन से ट्रेट्स हैं जो आपको लगता है कि ये ऐसी USP है जो इस कैरेक्टर को यूनिक बनाएंगे ऑन टेलीविजन? I think one very different thing from what I've also felt from the characters that I've done before, like Razia and Draupadi and you know the other characters that I've done. The different thing about this character is ki ye bahut hi simple ladki hai. She is very simple and abhi to main phir bhi thoda dressed up hoke baithi hu aapke samne. Aap show mein dekhenge, we've absolutely gone with a no makeup look for this show that you will never usually not see on TV. Aapko makeup ki zarurat nahi hai, you look very beautiful. Thank you. But otherwise also you know to actually show in complete detail ki ek rape victim kin cheezon ke sath guzarta hai. So we've absolutely kept, agar aap kal aajkal dekh rahe hain show to जो कि 12:30 बजे आता है, तो वी एब्सोल्युटली गॉन विद अ नो मेकअप लुक सो दैट यू नो टू डिपिक्ट दैट कैरेक्टर. तो वो सिंपलिसिटी ऑफ द कैरेक्टर, एकदम सिंपल सूट है और एक सिंपल पोनी है पूरे शो में. सो देयर इज नॉट टू मच. कहीं ना कहीं आपको डिसएडवांटेज लगता है कि क्या मोनोटोनस लुक है, कुछ स्पेशल भी होना चाहिए इस रोल के लिए? एक्चुअली नहीं, क्योंकि मैंने रज़िया और द्रौपदी में इतना मेकअप और इतना वो हैवी ज्वेलरी एंड वो पहने थे, आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे बहुत सिंपल लुक है. मतलब इस बार पेट भर गया है, पहले से पेट भरा हुआ है कि इतने सारे टैंट्रम्स नहीं है कॉस्ट्यूम्स के, ज्वेलरीज. वेल, अगर हम स्टोरी लाइन की बात करें तो ये एक ऑफिशियल रीमेक है फातिमा गुल का, एक टर्किश टेलीविजन सीरीज़ का. तो हमने देखा है कि अगर हम किसी भी चीज़ को रीमेक करते हैं या फिर इंडियनाइजेशन में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमें ऑडियंस के हिसाब से करने पड़ते हैं. तो इस शो में ऐसे कौन कौन से मेजर चेंजेस हैं जो फातिमा गुल और इस शो में हमें देखने को मिलेंगे? See, you rightly said this is an official remake and Star has obtained the rights of this show from you know the Turkish makers, and even the Turkey ke jo show ke writers the, they came and discussed the plot. Okay, so they had come to India and the makers you know they discussed it with them. So in like
the essence of the show, the original show has been maintained. The only difference is that there are Indian characters, there is the Indian setup, then there is, you know, the Indian sensibility. There are so many things that might happen in Turkey and don't happen in India that way, you know, in the society at large, because we come from a different sort of cultural background. So those will be the essential differences, nothing else. And you're born in Lucknow and born and brought up in Delhi. So ye dono cities aisi metro cities hai jahan par itni sari cheeze, of course humne dekha hai ki bahut sare cases samne aate hain, lekin hum un sari cheezon se jud nahi pate hain, hum un sari cheez ko jaan nahi pate hain. To is role se judne ke liye kaun kaun si aisi jagah hai jahan par aapne visit kiya hai, kisi se baat ki, ya fir rape victims ke visit karne ke baad aapne unse baatein ki hai, aapne khud ko kaise prepare kiya is role ke liye to make the connectivity with the audience? Basic thing that we've done is to keep it very realistic, you know, as far as possible, taki audiences genuinely uska dard feel kar saken. So jaisa ki aapne kaha ki, yes, I have stayed in Lucknow, Delhi, Chandigarh, you know, Bangalore, Mumbai, Gujarat, Agra, so I've stayed in quite a few places, and I know how the cities are and kitna safe hai kitna nahi hai ya kya go through karti hai ek ladki, kitna safe feel karti hai nahi karti hai. So I know that, and isko darshate hue I think the one thing that was kept in mind was ki, you know, bahut realistically, bahut naturally is situation ko portray kiya jaye so that everybody can, you know, relate with it. Kyunki kisi cheez ko zyada modify nahi kiya, glorify nahi kiya hai, sirf attractive banane ke liye jitna real hai utna hi real present kiya gaya hai taki log connectivity bana paye, and that is a very good thing, and I really appreciate ke Star Plus is coming with these many shows just to make people aware that in sari cheezon par hame kaam karna hai. And of course hum kehte hain ki we are proud to be Indian, lekin hamare desh mein aise bahut sare hisse hain, bahut sare fields hai jahan par abhi bhi hame work karna hai aur is desh ko behtar banana hai. Well, aapse main to chahta hu ki bas yahan baitha rahu, baatein karta hu, lekin kya kare, samay ki pabandi hai. To jaate jaate hamare sare viewers ko kya sandesh dena chahte hain, kya message dena chahte hain from your side, and timings of kya kusur amla ka hamare sare viewers ke liye? Sare viewers ko main yahi kehna chahti hu ki aap logon ne abhi tak mujhe kafi pyar diya hai for all my previous characters, and I wish that aap same pyar and same support share karein for Kya Kasoor Hai Amla Ka also, which comes on Star Plus every day from Monday to Saturday at 12:30 PM. So please watch Kya Kasoor Hai Amla Ka. Thank you very much for joining us, and all the best for your show. Aapka show TRP mein chhappad phad ke number 1 rank pe aaja. Thank you very much.